हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल टुडेस क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ फैमिली व्हिच यू लाइक एंड आर हैप्पी टू नो वो कैबन यूज्ड इन दिस क्यू कार्ड आर फॉर्चुनेट लकी थ्रू थिक एंड थिन मींस थ्रू बैड टाइम्स एस्टोनिश्ड सरप्राइज्ड ये ईडी लगा है मतलब ये पास्ट में बताया था प्रेजेंट में यूज करना है तो एस्टोनिश्ड यूज कर सकते हो ईडी लगाने की नीड नहीं हैपी को लकी इट मींस चेयरफुल रैशनली इट मींस लॉजिकली मतलब समझदारी से स्टूडेंट्स आपको याद है मैंने दो क्यू कार्ड्स अपलोड किए थे एक क्यू कार्ड में मैंने बताया कि एक पर्सन बहुत ही अच्छा है ओपन माइंडेड है उसकी काफी तारीफें की है उस क्यू कार्ड में याद है वो क्यू कार्ड आप वो दूसरी फैमिली के रिलेटेड बोल सकते हो लाइक वो मेरी कजन की फैमिली है या फिर मेरी फ्रेंड की फैमिली है कुछ भी नेबर्स हैं ये भी बोल सकते हो तो उसमें से कुछ आइडियाज लेके बोल सकते हो वो वाले पॉइंट्स लेके कि वो ओपन माइंडेड है वो काफी एक्सप्रेसिव है ऐसे कुछ भी करके वो लाइंस ले सकते हो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इस क्यू कार्ड का इसके अलावा एक क्यू कार्ड था जो जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो तो ऑब्वियसली वो आपको फैमिली पसंद होएगी पर्सन को तभी रिस्पेक्ट करोगे ना तो उसमें से कुछ आइडियाज ले सकते हो जैसे मैंने वहां पर एक पर्सन के बारे में बताया था कि वो ओल्ड पर्सन है जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो लेकिन इस क्यू कार्ड में आप बोल सकते हो जो फीचर्स मैंने एक पर्सन के बारे में बताए वो डिफरेंट डिफरेंट फैमिली मेंबर्स में डिवाइड कर दो कि वो अंकल ऐसे हैं आंट ऐसे हैं ग्रैंड मदर ऐसे कुछ सारे डिफरेंट डिफरेंट बता सकते हो इसकी वजह से आप उनको रिस्पेक्ट करते हो उनकी फैमिली को पसंद करते हो मैंने तो वैसे डिफरेंट ही क्यू कार्ड अपलोड किया है लेकिन इन दोनों क्यू कार्ड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ता जो आप कुछ कैब ई देख लो या फिर कुछ आइडियाज लाइन्स पिकअप कर सको अगर हम आज के क्यू कार्ड की बात करें तो मैंने इस वे से बताया है कि मेरी कजन थी जिसकी न्यू शादी हुई तो वो अपने इन लोज फैमिली के साथ आई स्टार्टिंग में मैंने ये बताया है कि अपने हस्बैंड के साथ आई हमें नहीं पता था कि वो अपनी इन लोज के साथ आ रही है या फिर उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि वो भी आ रहे हैं तो हम तो इनको देख के तो बाद हम बिकॉज टाइम बहुत हमारे लिए, जो किया था, हमने वो पीपल के लिए था इतने सारे लाइक पीपल और गए थे तो उनके लिए कुक करना इम्पॉसिबल था टाइम तो लगेगा ना सबके लिए खाना बनाने में तो हमने सोचा कि मेरे कजन की इन लोस की फैमिली गुस्सा हो जाएगी अग्रेसिव हो जाएगी बिकॉज मैंने अपने कजन को बोला था कि ज्यादा मत खाना हम तुम्हारा फेवरेट कुज़ीन बना रहे हैं लेकिन उनका रिएक्शन तो बिल्कुल डिफरेंट था मतलब उल्टा वो हमसे माफी हमें करने लगे खाना बनाने में हम उनके हम्बल नेचर से काफी इम्प्रेस हो गए मैंने तो बहुत सारी फैमिलीज को देखा है जो एटीट्यूड दिखाते हैं दुल्हन के मायके में जाके वो तो लाइक अननेसेली वो टोंट करते हैं फाइंड करते हैं मिस्टेक्स जान के ढूंढते हैं कहीं से गलती मिल जाए हम टोंट कर पाए ऐसे और अपार्ट फ्रॉम दिस कि उनको पता था कि हम एम्बेलेंस फील कर रहे हैं राइट तो हमारे पास कम फूड है एम्बेरसमेंट तो होएगी ही उन्होंने क्या किया जोक्स क्रैक करना शुरू कर दिए ताकि हमारा मूड थोड़ा लाइट हो जाए मतलब लाइक थोड़ा कूल हो जाए हम भी तो हमें पता है कि वो उनकी मिस्टेक है कि उन्होंने हमें नहीं बताया लेकिन आजकल ऐसा करता कौन है आजकल मिस्टेक कौन एक्सेप्ट करता है अपनी मैंने ये सारी बातें क्यों कार्ड में बताई हुई है। okay? तो instead, वो हैं है वो बहुत हैप्पी गो लकी के हैं। है मतलब बहुत चेयरफुल हैं हम अभी बहुत टाइम उनके घर जा चुके हैं मिल चुके हैं हमेशा हैप्पी रहते हैं हर एक सिचुएशन में वो दूसरे पर्सन के परस्पेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं और जजमेंटल कमेंट्स नहीं पास करते वो वो रियली ओपन माइंडेड है काफी रैशनली बिहेव करते हैं आई एम ग्लैड कि मैं मेरी कजन उस फैमिली में शादी करके गई चलो इसको हम सैम्पल से देखते हैं इंग्लिश में द लव ऑफ फैमिली इज लाइफ ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग आई एम फोर्चुनेट टू हैव सच ए स्वीट फैमिली हु ऑलवेज स्टेज विद मी थ्रू थिक्ड थिंग हाउ एवर अपार्ट फ्रॉम माई ओन फैमिली देर इज वन फैमिली दैट आई एडमायर द मोस्ट And I am glad to know them. That is the family of my brother in law. When my cousin visited our home for the first time after her marriage, we were excited to welcome her and her husband. However, we were astonished to see her in laws with her. We did not know they were coming. Even though we arranged everything for dinner, it was for limited people only. Moreover, it was impossible to cook food for six more people immediately. We thought my cousin's in laws would be aggressive because I told my cousin to not eat much before the visit since we were preparing her favorite cuisines. But their reaction was the exact opposite. They apologized to not clearing how many members were coming. Even my cousin's mother in law. Also, helped in preparing more food for them. We were impressed by their humble nature. I have seen many families who show an unnecessary attitude at the bride's home. Many usually try to find mistakes and taunt unnecessarily. Fortunately, my cousin's in law's family was not like that. They knew that we were feeling embarrassed owing to insufficient food. So, they started cracking jokes. To lighten up our mood i know it was their mistake to not informing us about their visit but these days no one accepts their mistakes instead they always try to blame others another thing which i liked about them is their happy go lucky nature now we have met plenty of times at their home in punjab they always seem happy

जहाँ फिर व्हाट्सएप पर ले सकते हो दोनों में क्या डिफरेंस है मनी डिफरेंस है क्या फीचर डिफरेंस है उसके ऊपर मैंने डिफरेंट वीडियो अपलोड कर दी है लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ से देख के जज कर सकते हो आपको क्या बाय करना है थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय